आमतौर पर छात्र 12वीं के बाद अपने करियर को लेकर बेहद चिंतित रहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षा महोत्सव का दिल्ली में आयोजन किया गया है, जिसमें दिल्ली से बाहर की तमाम यूनिवर्सिटीज हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और देखिए कि एक बार तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा, तो तमाम यूनिवर्सिटीज हैं टॉप जो जिसको कहा जाता है, और ऐसे में जो तमाम जो काउंसलर हैं बच्चों की काउंसलिंग के लिए यहाँ आए हुए हैं, और जो तमाम जो छात्र हैं चाहे वो दिल्ली करे दिल्ली के अन्य राज्यों से बात करें वो तमाम यहाँ पे आए हुए हैं, और जो अपने अच्छे भविष्य के लिए अच्छे करियर के लिए यहाँ पर अपनी काउंसलिंग भी कर रहे हैं। तो इस शो प्रोग्राम के जो आयोजित ऑर्गेनाइजर हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस शिक्षा महोत्सव को लगाने का क्या कुछ उनका खास मकसद था। शिक्षा महोत्सव में आए कुछ तमाम छात्र भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस काउंसलिंग के बाद अपने आप को कितना बेहतर एक राह पर देख रहे हैं। क्या नाम है? जानने को मिला है मुझे, मैं आफ्टर डिप्लोमा क्या कर सकती हूँ, बीटेक में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम प्रोवाइड करवा रही है, इसका आपको जानने को मिला है। आपका क्या नाम है? यहाँ पे अपने आपको मानते हैं कि जो पहले कहीं ना कहीं भटकते थे हम 12th के बाद कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, यहाँ से आने के बाद कितने क्लियर है? हमें एक नया रास्ता मिल गया है, यहाँ पे हमें पता है कि हमें क्या करना है, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, आप बता दें कुछ तो करियर के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें कितना आपको अच्छा लगा और आगे मार्गदर्शन अच्छा मिला, वो आगे क्या करना है उसका रास्ता दिखा और आगे आगे प्लान कर सकते अच्छा फ्यूचर के बारे में। कुछ कंफ्यूजन था पहले इससे पहले? हाँ, इंटरप्रेटर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता था कि कौन से कैंपस होगा, कैसे एजुकेशन आगे क्या करना है, इसके बाद आगे डिप्लोमा के बाद क्या होगा, प्लेसमेंट कैसे होगी, कुछ बारे में तमाम डाउट हमारे क्लियर हुआ। आपका नाम क्या है? विवेक। क्या करना चाहेंगे इस काउंसिल के बाद? पहले क्या सोच रखा था आपने, क्या यहाँ पे आने के बाद कुछ सोच भी बदली या फिर कुछ ऐसा करियर के बारे में थोड़ी मुझे कन्फ्यूजन वगैरह बहुत दूर हुई यहाँ पे आगे पता लगा। ठीक है, तो देखिए कि ये वो तमाम छात्र हैं जो 12वीं पास करने के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों से यहाँ पे आए हैं, और पहले इनके कई कई कन्फ्यूजन हुआ करता था कि भाई बेहतर करियर के लिए क्या कुछ मार्गदर्शन जा रहा है, लेकिन यहाँ पे काउंसलर के द्वारा उनको सही शिक्षा के लिए सही राह के लिए हम इनको डायरेक्शन दी गई है, वैसे में अपने आपको एक क्लियर राह पर देखते हैं। और आने वाले शिक्षा महोत्सव को ऑर्गेनाइजर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सब क्या लग रहा है कि इस तरह के जो आयोजन करना बच्चों के लिए करियर के लिए कितना कुछ बेनिफिट दे सकते हैं? नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र साहू है और हम लोग अभी यहाँ पे शिक्षा महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग 5 राज्यों में कर रहे हैं, जिसमें से आपका राजस्थान है, यूपी, दिल्ली, बिहार, झारखंड, इन 4 राज्यों में कर रहे हैं, दिल्ली उनमें से एक है। और मैं आपको बता दूं कि जो शिक्षा महोत्सव हो रहा है इसमें देशभर की टॉप यूनिवर्सिटीज के करियर एक्सपर्ट्स आए हैं, जो बच्चों को बता रहे हैं कि लाइफ में आपके लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। तो जो भी बच्चे अभी 12th में पढ़ रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में कर रहे हैं, तो देखिए 12th के बाद की 3-4 साल की पढ़ाई और ग्रेजुएशन के बाद के 2 साल की पढ़ाई से आपकी पूरी लाइफ चलती है, तो ये इसका प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है ना। तो बस हम लोग ये कर रहे हैं कि जो भी बच्चे लाइफ में जो कुछ भी बनना चाहते हैं वो यहाँ पे आए, प्रॉपर सभी से मिलें, बात करें और लाइफ में आगे बढ़े। तो आपने सुना कि ये जो शिक्षा महोत्सव है इसमें 5-6 राज्यों के जो लोग हैं वो जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आए हैं, और अपनी बेहतर शिक्षा के लिए बेहतर करियर के लिए इस शिक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया है, और यहाँ पर आके जो एक्सपर्ट हैं जो काउंसलर हैं उनसे एक अच्छे दिशा निर्देश देने के बाद वो अपने एक करियर की शुरुआत कर सकते हैं। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना पंजाब केसरी.com दिल्ली।